कांस फिल्म फेस्टिवल हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये 10 दिन तक चलता है। इस साल 16 मई यानी आज से कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है और ये फेस्टिवल 26 मई तक चलने वाला है। हर साल होने वाले इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। कांस फिल्म फेस्टिवल में कई तरह की खास कैटेगरीज बनाई गई हैं ताकि यंग टैलेंट को इनकरेज किया जा सके। हर साल कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इस फिल्म फेस्टिवल में पहुंचती हैं और चर्चा का विषय बन जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास के बारे में कि ये आखिर कब शुरू हुआ और इसे क्यों शुरू किया गया, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के इतिहास पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत 20 सितंबर 1946 में हुई थी। इस इवेंट में दुनिया भर की चुनिंदा फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती हैं। शुरुआत में इस फिल्म फेस्टिवल में 21 देशों की फिल्मों को दिखाया गया था। कांस का भारत से भी खास रिश्ता है और इस कड़ी की शुरुआत साल 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर से हुआ था। नीचा नगर को फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद राज कपूर की आवारा, दो बीघा जमीन, बूट पॉलिश, गाइड, उड़ान और लंच बॉक्स जैसी फिल्मों को कांस फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जा चुका है। कांस फिल्म फेस्टिवल में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग बहुत मायने रखती है और यहाँ पर मिलने वाले अवार्ड्स को खूब सराहाया जाता है। इस साल अनुष्का शर्मा की भी काफी चर्चा हो रही है क्योंकि इस साल वो कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल की कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है, इस वजह से कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर ही रेड कार्पेट पर वॉक कर सकते हैं। यही वजह है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में हर साल बॉलीवुड से कुछ चुनिंदा चेहरे ही नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे ही हर कोई जाकर इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अनुष्का शर्मा के अलावा इस साल मानुषी छिल्लर और मृणाल ठाकुर भी कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर आने वाली हैं। क्या आप इन एक्ट्रेसेस के कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट लुक को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आप हमें इस बारे में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।